हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हॉलो सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर। और हम यह जो केस कंसीडर कर रहे हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर है। अब देखिए, जो सिलेंडर है इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब उसकी लेंथ इज वेरी वेरी लार्ज विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। अगर लेंथ बहुत ज्यादा लार्ज होगी, जैसे पेन, इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं, चाहे इसकी लेंथ फाइनाइट है बट इसकी रेडियस अगर बहुत स्मॉल हो तो ये पेन जो, अब इस पर होलो सिलेंडर पे मैंने आपको बताया था जो चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा वाली डेंसिटी डिफाइन होती है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो मैंने मान लो इस होलो सिलेंडर को टोटल चार्ज क्यू दिया है और इसका कर्व सरफेस पर चार्ज है होलो सिलेंडर पर इस तरह का। हमने एक होलो सिलेंडर कंसीडर किया, अंदर से एम्प्टी है, तो ये होलो सिलेंडर की केवल इसकी कर्व सरफेस है। तो कर्व सरफेस का एरिया होता है इसकी पेरिमीटर इनटू इसकी लेंथ। अब यहां पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी होती है बट कई बार हमें लैम्डा की टर्म में भी दे रखा होता है, क्यू बाई एल को हम कह सकते हैं लैम्डा, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ को हम कहते हैं लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसके लिए क्वेश्चन में कभी लैम्डा दे रखा होता है, कभी सिग्मा दे रखा होता है। तो सिग्मा और लैम्डा में हमने रिलेशन कैलकुलेट किया है। अब होलो सिलेंडर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उसके अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। होलो सिलेंडर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जैसे हमने होलो स्पीयर में देखा था। तो स्पीयर में भी अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो तो उसके अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। उसी तरह से सिलेंडर में भी, होलो सिलेंडर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इवन हम आगे ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे और सबकी वैल्यू जीरो होती है, होलो सिलेंडर हो या होलो स्पीयर हो उसके अंदर। तो ये सेम रिजल्ट उसी तरह से यहाँ पर आ रहा है कि होलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, जैसे हमने स्पीयर में कहा था कि सारे चार्ज को पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं, और यहां सिलेंडर में सारे चार्ज को हम एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से रिप्लेस कर सकते हैं जो उसकी एक्सेस के अराउंड रखा हो। वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल r। तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं फॉर आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए। और अंदर तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो होलो सिलेंडर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बाहर 2k लैम्डा अपॉन r। तो आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इस तरह का आ रहा है। अब इसका ग्राफ देखें हम, अच्छा इनके डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं आखिरी लेक्चर में डिस्कस करूंगा सारे डेरिवेशन, और इन सब को डिराइव हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। देखो अब होलो सिलेंडर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, यहां ये हमने इस सिलेंडर का सेंटर या एक्सिस कहो कि यहाँ पर है और यहाँ सरफेस है, तो सरफेस के अंदर हर जगह जीरो और सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आर के रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल होता है तो ग्राफ कैसा होता है, हाइपरबोला। हाइपरबोला इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, यहाँ के बाद डिक्रीज होकर इस तरह से डिस्टेंस। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, यहाँ सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है, और बिल्कुल एज इट इज ग्राफ आया था होलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का। अंदर हर जगह जीरो और आउटसाइड में रेसिप्रोकल होता है, इस तरह का ग्राफ होता है। तो इस तरह से हम ये ग्राफ बना सकते हैं। अगला पॉइंट है सॉलिड सिलेंडर, इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। अगेन ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इट मींस लेंथ इज वेरी वेरी लार्ज विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। रेडियस अब देखिए सॉलिड सिलेंडर में कौन सी डेंसिटी लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हमने रो के सिंबल से रिप्रेजेंट किया था। एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू सिलेंडर की लेंथ। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। अगेन क्यू बाई एल को हम लैम्डा लिख सकते हैं,
चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ इज नॉन एज लैम्डा। तो लैम्डा का मतलब क्या होता है, क्यू बाई एल। तो इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो यह इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी में रिलेशन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, तो आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए, इसको सिलेंडर को हम एक वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, और वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, टू के लैम्डा अपॉन आर। ये फॉर्मूला अभी भी वैलिड होगा, मतलब आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए तो सिलेंडर होलो हो या सॉलिड, बात बराबर है। अब इनसाइड में जीरो नहीं होगा, इनसाइड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। जो अपना सॉलिड सिलेंडर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, अगर आपको ध्यान हो, ये तो सॉलिड सिलेंडर के लिए, और अगर आपको ध्यान हो तो पिछली क्लासेस में मैंने सॉलिड स्फीयर के कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला में यहाँ 3 आया था, सिलेंडर में 2 आता है। तो याद रखें कि सॉलिड स्फीयर में 3 आता है और यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर में 2 आता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सॉलिड सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पर, अगर हमें निकालना हो तो। अब ये मैंने रो की टर्म में, अगर आप चाहो लैम्डा की टर्म में निकालना, तो रो और लैम्डा में रिलेशन ये है, इससे उस फॉर्मेट में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका ग्राफ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, आर के रेसिप्रोकल है। इनसाइड में सॉलिड सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आउटसाइड वाले पॉइंट पर आर के रेसिप्रोकल है। तो आउटसाइड में तो ग्राफ रेसिप्रोकल होने का मतलब हाइपरबोला, और इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होगी एक सर्टेन स्लोप की लाइन। तो अब इसका ग्राफ बना है, और देखिए हम ये भी कह सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब आर जब सेंटर पे जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सेंटर से जैसे सरफेस की तरफ जाओगे आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होकर सरफेस पर मैक्सिमम होगा और आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए फॉर्मूला लगेगा। तो अब इसका ग्राफ अगर बनाया है, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए ग्राफ तो वैसा ही बनेगा जैसे सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन था ग्राफ पर। तो इस तरह का हमारा ये ग्राफ बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, जितने भी मेटल्स होते हैं, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, ये सब कंडक्टर है। एंड कंडक्टर कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर कंसिस्ट, इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हर मटेरियल में बहुत सारे होते हैं, प्लास्टिक में भी इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्लास्टिक में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जैसे हम ये जानते हैं कोई भी मटेरियल एटम से मिलकर बना होता है, अब एटम में खूब सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। तो जनरली अगर एक एटम का कोई इलेक्ट्रॉन एक एटम को छोड़कर दूसरे एटम पर जा सके या एक एटम से बाहर निकल सके, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स में होते हैं। ठीक है, अब इसका एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट यह है कि किसी भी कंडक्टर को हम अगर
बाहर से कोई चार्ज दें तो सारा चार्ज हमेशा उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अंदर कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये कंडक्टर है ना, इसको मैं कुछ चार्ज दूंगा और मैंने जैसे मान लो 5V के बराबर चार्ज दिया और मैं यहां रख दिया, जैसे प्लस 5V चार्ज मैंने यहां रखा इसके बीच में, तो जैसे चार्ज रखूंगा इमीडिएटली इस चार्ज यहां से हट जाएगा और सारा चार्ज सरफेस पर चला जाएगा इसकी। ये कंडक्टर को जो भी 5V चार्ज दिया ना, सारा इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कंडक्टर को हम बाहर से जो भी एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, वो एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए मैं कहीं भी जमा दूं, इस कंडक्टर में यहां चार्ज जमा दिया तो थोड़ी सी देर में सारा चार्ज इसकी सरफेस पर अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा ये चार्ज, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि कंडक्टर के अंदर यहां सब जगह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। कंडक्टर के अंदर हर जगह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी से बाकी सारी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज जनरेट होगी। तो लिखें इसका स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक्स्ट्रा चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर, मैं लिख देता हूं यहां पर, तो एक्स्ट्रा चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर इज रिसाइड ऑन इट्स सरफेस। जो भी एक्स्ट्रा चार्ज कंडक्टर को देते हैं इज ऑलवेज रिसाइड ऑन इट्स सरफेस इन सच ए मैनर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। इस कंडक्टर के अंदर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब अगला पॉइंट देखो, कंडक्टर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, और हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा होता है तो इस कंडक्टर को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो लिखो अगला रिजल्ट, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर आर सेम एट ईच पॉइंट, so it is also known as equipotential surface. Conductor is known as equipotential surface. Conductor को हम equipotential surface कहते हैं। Next property conductor के बारे में, जो conductor के अंदर हर जगह electric field zero होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाते हैं। अब कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कंडक्टर में एंटर नहीं कर सकती। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं कर सकती, इस कंडक्टर के बाहर रह सकती है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के कारण, यहां इसकी सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इस कंडक्टर के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा इस कंडक्टर के सरफेस के बाहर होगी, सरफेस पर होगी, इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी, लेकिन कंडक्टर के अंदर कोई लाइन ऑफ फोर्स प्रेजेंट नहीं होती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर एब्सेंट इनसाइड द कंडक्टर। और इसको ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कंडक्टर की सरफेस से या तो स्टार्ट होगी या कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स टर्मिनेट होगी, लेकिन इस कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं कर सकती, कंडक्टर के अंदर से बाहर नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कंडक्टर की सरफेस से या तो स्टार्ट होती है, ये बाहर निकलने का मतलब स्टार्ट हो रही है और यहां आकर खत्म हो रही है, या तो स्टार्ट होगी या टर्मिनेट होगी,
वाला पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर एब्सेंट इनसाइड द कंडक्टर, इट कैन बी स्टार्ट और टर्मिनेट फ्रॉम द कंडक्टर. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आइदर बी स्टार्ट और टर्मिनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर. अच्छा, अब अगली प्रॉपर्टी, मैंने एक और पीछे पर प्रॉपर्टी बताई थी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर और इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब देखो, कंडक्टर इलेक्ट्रिक एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये जो सरफेस है इसकी इक्विपोटेंशियल है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी. इसका मतलब कंडक्टर की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. जैसे यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखूंगा ना, तो सरफेस के परपेंडिकुलर इधर की तरफ होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये अगली प्रॉपर्टी है. ठीक है, अब यहां पर ये क्या होता है, इसका शेप, ये जो डायग्राम यहां बनाया है, ये शेप जो है इस कंडक्टर का स्फेरिकल नहीं है ना. स्पेयर की तो रेडियस क्या होती है, हर पॉइंट पर सेम होती है, लेकिन ये कर्व है तो इसकी यहाँ रेडियस अलग होगी, यहाँ रेडियस अलग होगी, यहाँ रेडियस अलग होगी. जैसे मैं ये एक एंड मान लेता हूँ, यहाँ पर कुछ रेडियस है इस ए पॉइंट पर, और ए की दूसरा एंड मानू बी पॉइंट. अब बताओ, ए और बी में से ए वाला एंड शार्प है ना, शार्प एंड है और ये फ्लेट है, तो शार्प और फ्लेट एंड में किसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होती है, फ्लेट की. सीधी लाइन की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, ये जो कॉर्नर है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होती है, शार्प एंड या कॉर्नर की रेडियस कम होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो जितना फ्लैट होता है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तीखा. तो इस डायग्राम में मैं कह सकता हूं बी वाले एंड की रेडियस ऑफ कर्वेचर ए से ज्यादा है. जो फ्लैट रीजन होते हैं उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होती है, शार्प एंड और कॉर्नर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होती है. अब यहां पर जब हर जगह पर चार्ज है सिग्मा, अच्छा एक और चीज, हमने कहा कि कंडक्टर को जो भी चार्ज देते हैं सारा सरफेस पर जाता है, और सरफेस पर चार्ज जाता है तो कौन सी डेंसिटी डिफाइन करेंगे, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन एरिया. तो कंडक्टर वाले क्वेश्चन में हमेशा जो चार्ज डेंसिटी लेते हैं वो सिग्मा वाले लेते हैं, चाहे होलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर. इसमें होलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर, अगर इसको चार्ज देंगे तो सारा चार्ज सरफेस पर होगा, पूरे वॉल्यूम में कभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं. तो सॉलिड स्फीयर की कंडक्टिंग अगर है तो क्यू बाई ए सिग्मा चार्ज डेंसिटी हम कंसीडर करेंगे उसके लिए. अब अगर इस कंडक्टर का शेप एक जैसा नहीं है, मतलब स्फेरिकल नहीं है, तो हर जगह सिग्मा बराबर बराबर नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज. अगर कंडक्टिंग स्फीयर होता तो उस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता था, लेकिन इस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता, हर जगह पर सिग्मा अलग अलग होगा, और सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर. सिग्मा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेसिप्रोकल होता है. अब यहां भी हमने ये लिखा B पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है ना, तो B पर सिग्मा कम होगा इस फॉर्मूले से, तो सिग्मा B पर कम होगा A पर ज्यादा होगा. इसका मतलब जो शार्प एंड होते हैं कॉर्नर, उस पर वहां चार्ज ज्यादा होता है फ्लैट रीजन के कंपैरिजन में, ये इसका मतलब है. अब इस कंडक्टर की सरफेस के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन सरफेस पर और सरफेस के बाहर नॉन जीरो होता है, और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यह है, एट सरफेस ऑफ कंडक्टर, एट सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है. देखिए यहां पर सिग्मा जिस पॉइंट पर ज्यादा है उसी पॉइंट पर इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ए पॉइंट पर इस डायग्राम में बी से ज्यादा हो जाएगा. ए और बी पॉइंट पर दोनों सही कंडक्टर की सरफेस पर है, लेकिन दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में वो दोनों अलग अलग होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड में ये रिलेशन आएगा.
ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला हो गया न्यूट्रो कंडक्टर। कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर होता है। अब देखिए ये कंडक्टर है जिसमें एक खाली जगह है, खाली जगह को हम बोलते हैं कैविटी, और इस कैविटी के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब कैविटी के अंदर हमने कोई चार्ज वार्ज नहीं रखा था, कैविटी फ्री फ्रॉम चार्ज है। कंडक्टर विद कैविटी फ्री फ्रॉम चार्ज, ऐसे लिख लो इसको, कंडक्टर विद कैविटी फ्री फ्रॉम चार्ज। कंडक्टर के अंदर जो कैविटी है उसमें कोई चार्ज नहीं है। अब इस कंडक्टर को मैंने क्यू चार्ज दिया, कैपिटल क्यू चार्ज दिया, तो ये चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? हमने अभी इधर डिस्कस किया था कि कंडक्टर को जो भी चार्ज देते हैं सारा उसकी सरफेस पर होता है। लेकिन अगर ये कंडक्टर में खाली जगह है, कैविटी है, तो मैं एक तरह से कह सकता हूँ ये कंडक्टर मेरा होलो कंडक्टर है, खाली जगह है। तो इस खाली जगह होलो कंडक्टर में क्या होगी? सरफेस दो होगी, एक तो ये इनर सरफेस होगी इसकी S1 और एक आउटर सरफेस होगी। अभी हमने जो रिजल्ट लिखा था, कंडक्टर को जो भी एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं वो सरफेस पर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आउटर सरफेस पर ही जाना जरूरी, इनर सरफेस पर भी जा सकता है, आउटर पे भी जा सकता है, थोड़ा बहुत चार्ज इनर पर चला जाए बाकी चार्ज आउटर पर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर मैं इस कंडक्टर को चार्ज दूंगा ना, तो इस चार्ज में से कुछ चार्ज इनर सरफेस पर जाएगा और कुछ चार्ज आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मान लेते हैं इनर सरफेस पर चार्ज Q1 आया, आउटर पर Q2 आया। मैंने जब इसको चार्ज दिया तो इनर पर Q1 चार्ज आया और आउटर पर हमने कंसीडर कर लिया Q2 चार्ज, और Q1 प्लस Q2 जो टोटल चार्ज दिया है उसके बराबर है। अब मुझे Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी है, तो Q1 Q2 की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। अब गॉस लॉ के लिए हमने एक क्लोज सरफेस ये मानी, ये गॉसियन सरफेस है, अब देखो ये जो मैंने गॉसियन सरफेस मानी है ना, इसका हर पॉइंट कंडक्टर के अंदर है, और हर पॉइंट कंडक्टर के अंदर है, और कंडक्टर के अंदर तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये ऐसी इमेजिनरी क्लोज सरफेस कंसीडर की है गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए, और गॉस लॉ यह है इंटीग्रेशन पी डॉट डी ए बराबर समेशन ऑफ क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो इस गॉसियन सरफेस पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा जीरो है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखकर निकालूंगा इसको सॉल्व करूंगा, तो इधर तो आप फाइव की वैल्यू जीरो ही आएगी ना, इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस जो ब्लू कलर की, इसके अंदर आपको कौन सा चार्ज नजर आ रहा है? इसके अंदर तो यह इनर सरफेस पर जो Q1 चार्ज है वही है ना, तो Q इन की जगह क्या लिखूंगा? Q1। अब Q1 की वैल्यू यहां से क्या आ गई? जीरो के बराबर, और Q1 अगर जीरो है तो इस इक्वेशन से Q2 कितना आएगा? Q के बराबर, यह अपना आंसर। तो अगर इस कैविटी, इस कंडक्टर में जिसमें कैविटी है उसमें बाहर से चार्ज दूंगा, तो Q1 का मतलब इनर सरफेस पर चार्ज, तो इनर सरफेस पर चार्ज जीरो होगा, जो भी चार्ज देंगे वो आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये मैंने इसका डेरिवेशन बताया है, लेकिन अब आगे से आप ध्यान ये रखेंगे कि अगर ये कोई कंडक्टर है, इसमें ये कैविटी है, और इस कंडक्टर को बाहर से क्यू चार्ज दिया है, तो अंदर वाली सरफेस पर चार्ज जीरो होगा, सारा चार्ज आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस रिजल्ट को हमें ऐसे याद रखना है।
देखो इस कंडक्टर में भी कैविटी है, लेकिन कैविटी के अंदर जो खाली जगह है उसमें हमने एक पॉइंट चार्ज को रख दिया, मान लो यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब इस कंडक्टर की दो सरफेस, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस, इनर सरफेस और आउटर सरफेस, दो सरफेस है इस कंडक्टर की। नाउ मैंने कंडक्टर को बाहर से प्लस क्यू चार्ज दिया, तो थोड़ा बहुत चार्ज इसकी इनर सरफेस पर आएगा, मान लो क्यू वन आएगा, और आउटर पे मान लेता हूँ क्यू टू चार्ज आएगा। और हम ये जानते हैं क्यू वन प्लस क्यू टू कितना है, कैपिटल क्यू के बराबर, क्यू वन प्लस क्यू। अब मुझे इसमें क्यू वन और क्यू टू की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू वन क्यू टू भी निकालने वैल्यू निकालने के लिए हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर करें, गॉस को अप्लाई करेंगे। अब देखो इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के अंदर इसका, इस रेड वाली सरफेस का हर पॉइंट जहां पर है वहां हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इस क्लोज गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स जीरो होगा, और टोटल फ्लक्स जीरो है तो इसके अंदर टोटल चार्ज भी जीरो होना चाहिए। अब इसके अंदर आपको टोटल चार्ज कितना नजर आ रहा है, इस वाले लूप के अंदर, रेड वाले लूप के अंदर एक तो ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और एक इस कंडक्टर के इनर सरफेस पर जो क्यू वन चार्ज हमने माना है वो है, तो इसके अंदर टोटल चार्ज क्या है, क्यू प्लस क्यू वन, तो ये बराबर जीरो, तो क्यू वन की वैल्यू क्या आ गई माइनस क्यू, तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया क्यू वन की वैल्यू माइनस क्यू वन आ गई। अब इसको अगर रखकर हम सॉल्व करेंगे, अब देखिए इस Q1 की वैल्यू को यहां रखकर इक्वेशन 1 से सॉल्व करूंगा तो Q2 क्या आ जाएगा, बाय इक्वेशन 1 Q2 की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल Q प्लस Q1 के बराबर, Q के इक्वल, तो ये अपना आंसर हो गया सेकंड। तो अब इस रिजल्ट को कैसे याद रखना है, ये कंडक्टर, ये सब डेरिवेशन है लेकिन इसको डायरेक्ट करेंगे हम एग्जाम में, Q इसको कैपिटल Q चार्ज हमने दिया, तो देखो इसकी इनर सरफेस जो S1 है S2 पर चार्ज, तो S1 पे तो चार्ज होगा ना, इस S1 के अंदर, S1 के अंदर अंदर टोटल चार्ज जीरो बना दो, ये अंदर Q है तो इसका अपोजिट माइनस Q, तो जो फेसिंग साइड होती है ना उन पे चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का और अपोजिट साइड का होता है। अब इस पर माइनस Q है, इन दोनों पे मिलाकर टोटल था प्लस Q, तो इन दोनों पे मिलाकर टोटल प्लस Q था, तो इन दोनों का सम कैपिटल Q होने के लिए इस पर माइनस Q है, तो इस पर चार्ज कितना आएगा, कैपिटल Q प्लस Q, क्योंकि इन दोनों का सम करूंगा तो माइनस Q से प्लस Q कैंसिल हो जाएगा, टोटल चार्ज Q बचेगा। अब अगला तो ये हमारे पास ये दो कंडक्टर है, अंदर वाला ये दो कंडक्टिंग होलो स्फीयर है, ये अंदर वाला जो कंडक्टिंग होलो स्फीयर है इसको मैंने टोटल चार्ज माइनस टू क्यू दिया है, और इसके सेंटर पर यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज और रखा है, और एक बाहर वाला जो सिलेंडर है इसको मैंने, सॉरी स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको प्लस फाइव क्यू चार्ज दिया है, तो हमें इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है क्या होगा। तो लिखिए क्वेश्चन, there are two concentric देखो ये होलो स्फीयर है, और होलो स्फीयर में दो सरफेस होगी, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस, तो अंदर वाला जो होलो स्फीयर है इस पर इनर S1, इस पर आउटर, ऐसे ही S3 और ये S4, तो इन चारों सरफेस पर मुझे चार्ज बताना है, S1 पे कितना होगा, S2 पे कितना होगा, S3 पे कितना होगा। अब इसको निकालने के लिए, अब
अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो एस वन पे जो चार्ज आएगा इस प्लस क्यू का अपोजिट साइन का आएगा सेम मैग्नीट्यूड का, तो यहाँ चार्ज कितना आ जाएगा, इस पर चार्ज एस वन पे कितना आ गया माइनस क्यू। अब एस वन और एस टू का मिला के चार्ज कितना है माइनस टू क्यू है, एस वन और एस टू के चार्ज का सम माइनस टू क्यू है तो एस टू पर चार्ज माइनस क्यू आएगा क्योंकि ये माइनस क्यू मिलकर प्लस माइनस टू क्यू। अब इस पर माइनस क्यू है तो इसके ठीक सामने वाले पर चार्ज, ये दोनों फेसिंग सरफेस है और फेसिंग सरफेस पर चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का और अपोजिट साइन का होगा, तो एस थ्री पर चार्ज कितना आ गया इसका अपोजिट साइन का प्लस क्यू चार्ज। अब इस पर प्लस क्यू है और इन दोनों सरफेस पर मिलाकर जो टोटल चार्ज था प्लस फाइव क्यू था ना, आउटर स्पीयर को हमने बाहर से एक्स्ट्रा चार्ज प्लस फाइव क्यू दिया था, उसमें से इनर सरफेस पर चार्ज आ गया प्लस क्यू, तो आउटर पर कितना चार्ज आएगा प्लस का 4q के इक्वल, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो हर एक सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता लग गया, ये इसका सॉल्यूशन। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई डाउट हो तो इस पर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अभी कंडक्टर वाला टॉपिक में कुछ और एग्जांपल हमें लेने हैं, समझना है तो एक दो लेक्चर और इसको लिए रिक्वायर्ड है। उसके अलावा हमने जो बोर्ड के डेरिवेशन छोड़ रखे हैं वो भी हम इस चैप्टर में करेंगे। ओके, थैंक यू।